मॉर्निंग। सो ये है हमारा दूसरा दिन, और दूसरे दिन की शुरुआत के अंदर अभी मॉर्निंग के हुए हैं 5, और हम अभी निकलने की पूरी तैयारी के साथ आज बहुत सारे लोकेशंस को कवर करने वाले हैं और बहुत दूर तक भी जाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी, और अभी आगे के पॉइंट पे हम मिलकर बात करते हैं। सो ये था हमारा स्टे जो हमने कुर्ग में लिया था। सो ये एक बार का रूम है, यहाँ पे 2 बेडरूम, यहाँ पे दो बेड यहाँ पे और 2 बेड यहाँ पे, टोटल 4 बेड हमें मिल गए अच्छे तरीके से। बहुत ही अच्छा था रूम पूरा एसी के साथ, सो वो हमने एंजॉय किया। और वॉशरूम आप देख सकते हो, क्लीन एंड क्लियर वॉशरूम, कोई ज़्यादा झंझट मारी नहीं थी, तो वैसे डिसेंट का था। और ये 1000 के बजट के अंदर अपने को ये मिल जाता है। तो दोस्तों अभी मॉर्निंग के बजे है 6, और हम गोकर्णा से निकल चुके हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं, और हम जा रहे हैं कर्नाटका के एक अनदर डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, और वहां पे जाके एक अद्भुत नज़ारे का आनंद लेने वाले हैं। और वो नज़ारा आपको देखने के दिखाने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अभी आप इस रोड को एंजॉय करो और वहाँ पे लोकेशन पे जाके मिलते हैं, और फिर आपको मैं दिखाता हूँ अमेजिंग शॉट्स। दोस्तों एक दूसरी बात बताता हूँ, कर्नाटक में आके सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो है कर्नाटक के रोड्स। अभी मतलब मैं देखता आ रहा हूँ जब से हमने कर्नाटका में एंटर किया है अभी तक, और ये मॉर्निंग में भी हम राइड कर रहे हैं, सिंगल पट्टी रोड है, लेकिन द रोड आर सो गुड, रोड्स आर टू गुड, रोड्स में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे रोड्स है, और आप आराम से एक जगह से दूसरे लोकेशन पर इजीली तरीके से पहुंच सकते हो। अभी पूरा कर्नाटक को एक्सप्लोर करना बाकी है, लेकिन ये मेरी क्या है कि अभी का जो मेरा इम्प्रेशन है वो ये है कि कर्नाटक के जो रोड्स है वो बहुत ही अच्छे है। फाइनली अभी हम आ गए हैं यहाँ पे, का नाम है जॉक फॉल्स। सो जॉक फॉल्स पे हम आ गए हैं, और अभी आप देख सकते हो पूरा व्यू का नज़ारा देख सकते हो। ओके, तो टाइम हुआ है 8:36, और हम आ गए हैं जॉक फॉल्स के वहाँ पे, और यहाँ पे टोटल अगर देखने जाओ तो टोटल 4 टाइप के फॉल्स है, किंग, क्वीन, रॉकेट एंड रोवर। मैंने भी पढ़ा, मुझे भी अजीब सा लगा, लेकिन बहुत प्यारा सा यहाँ पे नज़ारा आपको दिखता है। और जैसे मैं यहाँ पे आया ना, मैंने ये वाटरफॉल का जो नज़ारा देखा, एंड लाइक आई वॉज अमेज, क्योंकि जिस तरीके से इसका आवाज़ आ रहा है और जिस तरीके से जितनी हाइट से ये पूरे इंडिया का दूसरा नंबर का लॉन्गेस्ट हाइट वाला जो वाटरफॉल है वो है, और उसको देखकर लाइक सब बहुत 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 अच्छा लग रहा है, क्योंकि पूरी घाटी है, पूरी ग्रीन घाटी के अंदर हमें वाटरफॉल का जो नज़ारा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा है आप ड्रोन शॉट्स के अंदर, और देख सकते हो कि किस तरीके से ये वाटरफॉल दिख रहा है। और अगर आप कर्नाटक में आते हो तो ये आपके मस्ट डू लिस्ट में होना ही चाहिए।
नेत्रवाणी बीच और ये जो है वो राजा का मोनास्ट्री और यहाँ पे है मंदिर। शिव जी की मूर्ति जो 123 फुट अबो है सी लेवल से और आप देख सकते हो तीनों साइड से दरिए का पानी। तो ये जो है वो है नेत्रावणी एरिया मुरुडेश्वर एरिया और ये है मुरुडेश्वर बीच, थोड़ा बीच देख सकते हैं।